तेरे दम बसी बोतल काली कार बैठे कार में। मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आप देख रहे हैं निकित व्लॉग, सर मैं हूं आपका निकित। सो गाइस, अभी का सीन है कि अभी आपका भाई इतना खुश है क्योंकि एसी लग चुका है इसलिए, और सुबह सुबह हमने एसी लगा दिया हुआ है पूरे 10:30 बजे। अब थोड़ी देर बाद कर देंगे बंद। तो नमन नहा धो के रेडी हो चुका है, इसने पता नहीं कौन से ब्याह में जाना है या शादी में जाना है। ये इधर शर्ट पैंट डाल के बैठा हुआ है और है इसकी मर्जी है गाइस, वो तो इसी की मर्जी है, मेरी मर्जी तो है नहीं, ठीक है। तो बाकी इधर हमने झाड़ू वगैरह मार दिया, झाड़ू मारा ठीक है। और यहाँ पे पड़ा है दही जो कि मैं लाया था रात को, और इसका बनाना अभी लस्सी। तो वो हमारा ना, ये जो होता ना हमारा जार, वो हमारा खराब हो गया, अभी ताई को दूंगा बनाने के लिए। हमारा जार की तरह ये वाला गई वो बच गई। ये जो जार है ना, इसके जो नीचे वाला ये पोर्शन है ना, ये टूट गया हुआ है, तो इसलिए ये मिक्सी के अंदर ना फिट नहीं बैठता। तो जैसे इसका फुल है ना, ये जो इसके आपको पोर्शन दिख रहे होंगे ये वाले, ये फुल हैं तो ये मिक्सी के अंदर सेट बैठ जाते हैं। इसके फुल नहीं ना तो ये बैठते नहीं है सेट, इसी करके इसी कारण फिर हम इस पर बनाते नहीं है। अभी ताई को देंगे, इसको भी ठीक कराने के लिए देना, इसको आ जाऊंगा मैं ठीक कराने देने। तो बाकी अभी ताई को दही डालते हैं कोली में, फिर ताई को देते हैं, फिर ताई बनाएगी लस्सी। और ब्रेकफास्ट में आज बना हुआ मेरे ख्याल से यहाँ पे परोंठियाँ, ठीक है, परोंठियाँ बनी हुई हैं। और बाहर का जो तूफान था एक दो दिन पहले, तो वो तो अब ठीक हो गया, बट बाहर फिर से मौसम बारिश वाला, मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा क्योंकि अभी एसी लगा हुआ है। तो अभी बारी वगैरह कोई खोल नहीं सकते, विंडो वगैरह कोई ऑन ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। और जो हमारा एसी है ना, बाकी हमारा एसी बिल्कुल ठंडी हवा दे रहा है, ऑल सेट है हमेशा, मक्की बिल्कुल ठंडी है। जो इसकी बॉडी है ना, इसकी बॉडी ना थोड़ी ऊपर साइड है, ध्यान से देखना आप, इसकी बॉडी थोड़ी ऊपर लगेगी। इसकी बॉडी अगर थोड़ी नीचे होती ना कमरे वाली साइड, तो फिर अच्छा कूलिंग करता, बट इसकी जो बॉडी है उसकी इस साइड है नी, तभी थोड़ा ना ठीक है। फिर भी ठीक है, हवा तो ठंडी आ रही है तो अब ठीक है, ठीक है। तो बाकी बिल्कुल मस्त है, हवा भी ठंडी आ रही है, देख लो आप, ऊपर लाइटनिंग भी हो गई हुई है। ये बाकी पर्दे के पीछे इतनी सेक्सी लगती है ना, कुछ बात ही नहीं, ठीक है। तो अभी फटाफट देते हैं दही और साथ में करते हैं ब्रेकफास्ट। तो अभी मैं करने लगूँ लंच, तो लंच में आज बना दही वाले आलू साथ में चपाती है, देख सकते हो, ठीक है। और टाइम हो चुका है इतना, और अभी लंच वगैरह करके फिर आपसे मिलता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मैं परेड गया हुआ था, तो जस्ट आते ही क्या हुआ कि मैं एक्सचेंज रोड पहुंचा, बारिश हो गई तेज और मैं गिल्ला हो गया, आपके सामने देख लो, ये देखो, देख रहे हो, तो मैं गिल्ला हो गया। और ऊपर से कल ही हमने एसी लगाया और आज बारिश आ गई, ये हुआ गया, मतलब कि कमेंट में बता देना आपके हिसाब से हुआ गया ये। अब एसी तो बंद ही कर दिया हो क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही खतरनाक हो गया, मैंने आपको दिखाना था बट ले जाता हूँ शायद आपको छत पे, बारिश रुक गई है, एन के गोले अंदर पड़ रहे थे, बताते पता आपको, ये देखो बारिश, ये चेक करो, देख रहे हो, बारिश हो गई हुई है। और बाकी अब मैं नहाऊंगा तो नहीं, कपड़े चेंज करूंगा क्योंकि नहाऊंगा तो फिर बीमार हो जाऊंगा, और ऊपर से ये भी नेचर की ठंड है, देखो पड़ चुकी है ऑलवेज, हाँ ऑलवेज पड़ चुकी है हमेशा की तरह। और बाकी आप बाहर का व्यू देख लो, बारिश अभी भी हल्की हल्की आ रही है, और हवा 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 जो चल रही है ना हवा। और मैं परेड से तो निकल गया, तो मैं सही टाइम पे निकला, और जो बाकी हमारे दोस्त ना वो किट पैक कर रहे थे, तो मैं तब तक निकल गया, मैंने क्या ही करना, तो उन्होंने स्कूटी पे जाना था, बारिश आ गई, अब वो मेरे ख्याल थोड़ी देर बाद ही पहुंचेंगे परेड। तो बाकी मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया हुआ है, तो फटाफट कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ। और नमन भी 5:30 बजे ट्यूशन गया आज, 5:30 बजे, देख रहे हो 20 मिनट का फर्क है, बारिश आ गई 5:30 ट्यूशन चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो गुरुजी के सत्संग गया था इसलिए। तो अभी मैं फटाफट कपड़े चेंज करता हूँ। और मम्मा आज क्या बनाया है, हरी मूंगी, तो अभी भी मैं कपड़े वगैरह चेंज करके फिर आपसे मिलता हूँ फटाफट। तो अभी मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए बट लाइट जा चुकी है, तो हवा जो इधर से आ रही है ना मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, ये देखो ठंडी हवा, इसको बोलते हैं रियल एसी,
ये एक टन डेढ़ टन दो टन कुछ नहीं होता इसके सामने, ये भगवान कैसी होता है। कसम से इतनी ठंडी हवा आ रही है, मैं आपको सच में नहीं बता रही, लिटरली यार बहुत ठंड लग रही है। अब ठंड लग रही है कसम से। बारिश तो रुक गई है बट हवा बहुत तगड़ी चल रही है। टाइम अभी 6:30 हुए मेरे ख्याल, हाँ 6:30 हुए हैं। हवा चेक करो, लग रहा है 6:30। चलो कोई नहीं, करते हैं फिर हवा का मजा लेते हैं। सो अभी टाइम हो चुका है बिल्कुल 10:30 बजने लगे हैं। तो मम्मा ने 1 घंटा 1.5 घंटा मामू से बात कर ली, मामू का फोन आया था और टाइम का पता नहीं चला मम्मा को। इतना टाइम हो चुका है अब, ठीक है। तो टाइम अभी 10:30 हो गया, बाकी मम्मा अब हमारी रोटी डाल रही है, मेरी डिनर डाल रहा है, मेरी मम्मा मेरा डिनर डाल रही है। तो नमन यहाँ पे कर रहा है जो दोपहर को उसको मैंने दही वाले आलू दिए थे ना उसके साथ कर रहा है नमन रात का डिनर, क्योंकि ये इतना सुशील बच्चा है कि ये रात को भी ये 3-3 दिन की बेसब्जियां खा लेता है ना, खा लेता है। सॉरी मम्मा मेरे लिए रोटी ले आई है डिनर, तो यहाँ पे देख सकते हो आप बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दाल बनी है। ये मेरे को बताना ग्रीन दाल के अंदर ये वाइट वाइट ये जो होता है ना ये क्या होता है, नहीं कर नमन यार तूने, हाँ दाल होती है, साथ में चपाती नहीं है राइस है ये, ओके, और साथ में काला काला प्याज, ठीक है। सो अभी डिनर वगैरह कर लिया हुआ है, तो टाइम हो चुका है 11:30 और नमन ने अपना बिस्तर वगैरह भी खुद ही डाला आज, वो चम्मड़ नहीं जाना साथ में, कोई पता नहीं चमक जाएगा साथ में उधर, हो जाएगा साइड रख दे गिल्ला है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप और एसी लगा लिया हुआ यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ठीक मस्त सा ये, ठीक है। तो आज चलो कोई बात नहीं, अब मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। जिसको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इनको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जय श्री राम।